एमपी की महिला का हुआ राजस्थान में सौदा, बाप बेटे ने घर में बंधक बनाकर दिया घिनौना कृत्य, काम को किया अंजाम, हैवानियत की पूरी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम टॉप डिजिटल न्यूज चैनल एमपी 7 न्यूज। और आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट करें। देखिए भोपाल की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला को राजस्थान में 80,000 रुपये में बेचा गया। वहां आरोपी बाप बेटे ने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह ने प्रदेश में और भी महिलाओं को बेचने का किया है काम। भोपाल के टीला जमालपुर में रहने वाली एक युवती ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की थी कि उसकी बड़ी बहन पिछले एक साल से घर नहीं लौटी। वह एक शादी में काम करने का कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। पुलिस को जांच के बाद पता चला कि गुमशुदगा अनुपा कोई व्यक्ति राजस्थान के ग्राम पितापुर जिला झाड़ावार में अपने घर में बंदी बनाकर रखे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी झाड़ावार रवाना की गई। 12 दिसंबर को महिला को ग्राम पितापुर जिला झाड़ावार निवासी मोहन सिंह और उसके बेटे किशन सिंह के घर से बरामद किया गया। काम के बहाने बुलाकर और कर दिया सौदा। महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मजबूत सिंह यादव निवासी मटो मोहटी जिला विदिशा ने उसे काम के बहाने बुलाया था। वह उसे बहला फुसला कर अम्मा नाम की महिला निवासी बिस्नेला खेड़ा जिला गुना के घर ले गया और वहीं छोड़ दिया। अगले दिन मजबूत और उस अम्मा ने मिलकर पीड़िता को ग्राम पितापुर जिला झाड़वा निवासी मोर सिंह और उसके बेटे किशन सिंह को 80,000 रुपये में बेच दिया। बाप बेटे ने घर पर बंधक बनाकर किया घिनौना काम। लड़की ने पुलिस को बताया कि बाप बेटे उसे झालावाड़ स्थित घर में बंधक बनाए रखे हैं और लगातार रेप कर रहे हैं। पुलिस ने जांच के बाद फरार महबूब सिंह, अम्मा मोर सिंह और किशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मजबूत ने लोगों के साथ मिलकर मानव तस्करी की दूसरी घटना भी की है। इन सभी की विवेचना की जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज चैनल और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।